हमारा चुम्बन निकल गया, टीवी भी निकल गया उधर हमारा, जो हमारा सामान है ये घर के अंदर, वो हम लोग लेके वाले घर में शिफ्ट हो जाए, तो कुछ जुदा कर देगा तो एकदम वो हो जाता है ना। चलो चलो, हम मिलने आ जाना, तुम लोग आ जाना कभी मिलने का। न्यू ब्लॉग तो गाइस आ चुके हैं एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मतलब इमोशनल हो सकता है, बहुत ही सैड हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग ये घर को छोड़ने वाले हैं और साथ में हमारे माँ बाप को भी छोड़ने वाले हैं, और हम लोग चले जाएंगे आज नवे घर पे इंशाल्लाह से। तो आज है हमारी शिफ्टिंग घर की, तो आज मेरे कपड़े वपड़े मेरे पलंग वलंग सब निकालना है और सब लेके जाना है मेरे को नवे घर पर। तो आज कैसा लग रहा है आपको? तुम तो सुबह सुबह उठ गए 12 बजे, तुम्हारे बाल तो देखो आईने में। कल गाइस हम लोग रात को इतना भीगे हुए, वो सर्दी हो गई यार, सारे सारा कहाँ पर है, मैं भिगाई काम के लिए भीग रहे, जोर से बोलो ना गूंगे। जब हम रुक सकते थे, 2-3 दिन लेट जा सकते थे, 2-3 दिन लेट कर सकते थे। आ गया ना, जोर से बोलो ना, इंटरेस्ट नहीं है क्या आज व्लॉग बनाने का? सैड हो तो 2-3 दिन रुक सकते थे, 2-3 दिन काम लेट कर सकते, नहीं तो यहाँ से निकल जाते थे, फिर ये घर से धक्का मार के निकलते, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है। तो गाइस आज हम लोग का एसी निकल रहा है, आज हमारे कपड़े निकल रहे, लो बिना एसी निकल गया, अरे पानी गिर गया, अरे चीज की ऐसा लगता है बकरे की वो है ना, सेम थिंकिंग में कसम से मेरे को थोड़ा टाइम वो लगा। यस, तो गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है, ओ वाले घर पे भी एसी आ गया है, ओवन आ गया है और अपना एक्वागार्ड आ गया है। और गाइस दानिश ने मेरे से बिना पूछे फोन करके, टेक्नीशियन का फोन आया होगा तो टेक्नीशियन को बोल दिए आ जाओ, अब यहाँ का काम पटावे के वहाँ का काम पटावे, तो नींद में दिमाग नहीं चलता क्या? बोले मैं आ गया हूँ, क्या करूँ, कितने मिनट में आऊंगा, आ जाओ आ जाओ, नहीं बोलने का 1 घंटे बाद आ जाता, बोले दूसरा पटा लेते, लड़की पटा दे, मतलब नहीं वो लोग का एक अलग 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 जगह पे सबका रहता है, लोग का जो भी हुआ क्या बोलते हैं उसको बोलते फिट कर दे, वो फिट तो कौन नहीं कर सकते थे, लेकिन टेक्नीशियन लोग को बुलाते हैं ताकि लोग समझा सके कैसा यूज करना क्या करना है, तुम समझते हो? हाँ, ऑन कैसा ऑफ करता, कितने मिनट पे क्या गर्म होगा क्या नहीं गर्म होगा, वो सब चीज पूछना चाहिए, सब बना के दूंगी, तुम्हारा मुंह भी डालूंगी और सेकूंगी। ठीक है गाइस, आज हम लोग, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट दानिश आज खुश ही नहीं है नवे घर पे जाने की, क्यों दुखी है पागल? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इनके घर इतना प्यारा लग रहा है, कलर भी हो गया, लाइट्स भी लग गई है और बहुत ही औसम लग रहा है। आसिफ भाई तो बोले मैं 10 बजे चले जाऊंगा। काम हुआ ये भी जाए, अरे दूसरी लाइट ही मंगाया ना उन्होंने, बोले बेडरूम भी कर देता हूँ, जुम्मा है तो एक बार खुलेगी, बेडरूम बंद हो जाएगा, बंद हो जाए, बन जाएगा, सब बन गया बेडरूम की, बोला लाइट कम है, 2 मिनट कम है तो लेना है अभी, 5 मिनट का रोल मिलता है तो फिर आज बने जुम्माबाद मिलेगा। ठीक है, कौन बोलो जुम्माबाद मिलता है, ठीक है। तो गाइस हमारा एसी तो निकल गया है ढांचा, अब वहाँ जाके एसी यारा फिट करना है, और वहाँ जाके टास्क तो ये है आउटडोर का कैसा लगाएंगे। हाँ यो, मैं तो व्लॉग बनाऊंगी स्पेशली, गल्ला ना करे कभी कुछ हो जाए, नहीं मगर रात में मैं यही सोच रही थी, बिल्डिंग में की है तुम्हारा अकेले थोड़ी की होती, बट बोल नहीं सकते भाई, अपने में बुराई आ गई तो हमारा आउटडोर जो एसी है वो लोग बाइक पे लेके गए हैं, और ये वाला हम लोग को लेके जाने का जरा भी ऊंच-नीच नहीं करना, वरना अपने पे डाल देगा कि तुमने गैस गैस निकाल दी, ये कर दियो कर दियो, वो बोलते है ना ये लोग, एसी का पानी गिर गया पूरा, चलो ठीक है, कैसा कैसा करके हम लोग को एसी लेके जाना पड़ रहा है, कैसा कैसा जा रहे हैं यार, बहुत मगजमारी है यार, बहुत गंदा मेरे को लग रहा है, लेकिन और ये ऊपर से बारिश अब भी जाके रुकी है, और करते आधे घंटे तक हम खड़े थे, और ये भीगना नहीं चाहिए इंडोर को, आउटडोर भीगे तो चलता है, तो अभी जाते हैं जल्दी जल्दी घर पे, बाकी ये काम है वो करना।
लोग आ चुके हैं हमारे नवे घर पे। हमको इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है घर ये कि मेरा मन ही नहीं हो रहा मैं यहाँ से हटूँ। तो हमारे साथ लवाचे इतने सारे पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारा एसी पहुँच चुका है। अल्लाह की तरह से बारिश रुक गई थी तो बहुत अच्छा हो गया। और गाइज वहाँ पर हमारा एसी आ गया नवा वाला जो कि अभी फिट हो जाएगा ऊपर। यस और गाइस यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम क्या बोल रहे हो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा वो नीचे उतरेगा वहाँ से ही मतलब यहाँ से एसी को फेंकेगा। ओके अभी रस्सी क्या करेंगे? रस्सी मंगा लूंगा कभी अभी 10-15 तो जाओ ना फिर फिटिंग कर देंगे ना बेटा। बोले फिटिंग करता था मैं रस्सी 2 मिनट में लेके आ जाऊंगा। तो गाइस देखो व्यू हमारा एक्वागार्ड वाले भी आ चुके हैं जो कि वो वहाँ पर कर रहे हैं काम। तो ये उनका काम हमारा एक्वागार्ड अभी लग जाएगा। यहाँ पर है कि हम लोग सबसे डिस्कस करने वाले, ये बताओ तो सर टॉफे वाले की जिंदगी की बात रहा चक्कर सारा है भाई मैं तो देखूंगा ही नहीं चलो अंदर जाएगी तो पागल होता है ऊपर से एक दो माला नहीं 24-25 माला है 38 माला बिल्डिंग है चढ़िएगा भी सी यहाँ पर ना साइड पर खम्भे देखते हैं अल्लाह मालिक है। भाई तुम कैसे उतरोगे तुम कैसे जाओगे भाई गाइस वहाँ पर सब लगे पड़े हैं चलने के लिए दानिश से कैसा खुश हो गए हो मैं गाइस आप लोगों को ऐसा कर रहे बेचारे लोग उसके एसी का लिचारा पकड़ लीचे से पकड़ कितना चिल्लाए थे सुने नहीं कैसा कर रहे बाप रे तो हार्ट बीट फास्ट अल्लाह माफ करे इस चीज पे भाई ये काटने दे देता ना ये घर वाला तो इनकी मजबूरी है तो लोग कर रहे सही बात है सही बात है। मेरी हालत ऐसी हो गई ना ये घरों के काम के अंदर हमारा फेस इतना डल हो गया तो मैंने रुखसार को मैसेज करी कि रुखसार फेशियल कराने का है क्लीन कराना है फेस। तो बोले आ जाओ तुम जब भी बोलोगे तब भी कर दूंगी। अरे मतलब बात कर रहे हो ना तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ जाएंगे। तो हमारा एसी जो है वो लग चुका है देखो भाई कैसे लटक के काम कर रहे बहुत रिस्की काम था भाई इधर आना बहुत रिस्की काम था इंशाल्लाह कल तक के सब रेडी हो जाएगा अपन रात को शिफ्ट हो जाएंगे आज है ना क्लीन कर देते हैं ठीक है। इधर थोड़ा सी एसी में करते करते इधर थोड़ा पानी का हाथ लग गया होगा आप लोगों को दिख रहा होगा देखो इधर गाइस। तो इधर इतनी केयर करिए बाप रे बाप अपनी मुंह का केयर करो थोड़ा अभी कराने जा रही हूं ना। अच्छा चलो ठीक सो गाइस इधर ये वॉलपेपर लग रहा है पूरा आप लोगों को देखने चलेगा थोड़े टाइम बाद क्या बोलते हैं चलो ठीक है चलो ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं वॉलपेपर भी लग गया है और अभी हम उतर गए हैं नीचे तो रुक आगे वहाँ जाना है तो फेशियल के लिए टाइम हो गया। हम लोगों ने 6 बजे बोले थे बट 7 बज गया क्योंकि वॉलपेपर वाला है जो वो लेट आया इसके लिए उनका कुछ मगजमारी चालू थी तो उसके लिए उनको लेट हो गया कोई कोई था जो उनका पैसा काट लिया कुछ गलत हुआ तो हिसाब से तो इसके लिए तो बेचारे चलिए रुकसा क्या मिलते हैं आपको बढ़ा रहे काम का हम लोग आ चुके हैं रुकसा के वहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तुम कैसे हो? तो गाइज काफी टाइम बाद हम लोग आए बकराईद में तो उसके बाद अभी आ रहे हैं। तो अभी रेनोवेशन चल रहा था तो मैं बोली कि मैं करा ही रहूँ फेशियल क्योंकि और डल होने वाली है स्किन से पहले अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत ही है काम अभी हो गया ऑलमोस्ट उसके मैं बोली मेरा फेस बड़ा डल हो गया बहुत डल हो गया उस दिन तुम मेरे को मिले थे तभी बोले थे। तो आज वो बोले कि बीबी क्रीम बीबी ग्लो कर लो तो मैंने बोली अभी वो नहीं करते क्योंकि अभी फिर 3 दिन तक वॉश नहीं करना रहता अभी मेरे को अप डाउन करना रहेगा सामान वामान के लिए तो मैं बोली इसमें खराब हो जाएगा फेस उसके लिए करेंगे अपन कौन सा हाइड्रा फेशियल। दानिश को भी सेम हाइड्रा चलो ठीक है दुखे भी नहीं मेरे को जाओ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करवाओगी मैं बोलते मैं तो सो जाऊंगा सुबह से उठे हम लोग 12 बजे से जब तुम सो जाओ ठीक है 15 मिनट की नींद मार लो 15 मिनट
वो एक क्या गैप होता है ना एक सुबह हो गई सुबह सुबह हो गई उठो आँख खोलो टोनर लगा अच्छा सोए तो नहीं है ना जागे हो ना जागे हो ना सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा बहुत ज्यादा साफ हो चुका है आप लोग का नोशिंग का होता है फिर आप लोग को मिलता है आगे गाइस हो चुका है फाइनली मेरा भी फेशियल डन और आप लोग रिजल्ट देख सकते हो आप इसे मिन्स की एकदम चमक गई है तुम्हारे पे वाओ तुमको तो अभी देखी मैंने देखिए आंख खोले तुम भी चमक रहे हो कोयला हो तुम अभी तुम चिकने दिखते हो तुम तो फेशियल कराने के बाद कौन सी लगती है क्या तुम वेस्ट इंडीज दिखते हो क्या चलो पकड़ो ऐसा मैं एक बता दूं गाइस गाइस मैं यही बता दूं कि रुक सा गया वहाँ पर ब्राइडल पैकेजेस भी चालू हो रहे हैं जो कि उनका बहुत फेमस है वो चीज यस जो अभी जैसे वेडिंग सीजन है अभी तो सारे ब्राइडल पैकेज अवेलेबल है सारे ब्राइडल फेशियल्स पे ऑफर भी है तो आप लोगों को चाहिए तो अब मेरी इंस्टा आईडी दानिश डाल देंगे तो उस पर आप डीएम करके पूछ सकते हो नंबर भी है और इनकी आईडी पे जाके हमारा फुल वीडियो देख सकते हो पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक के यूट्यूब पे कैसा उन्होंने किया तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप लोग जाके उनको देखो और जाके डीएम करो ऑफिशियल के लिए आओ चलो ठीक है थैंक यू वेलकम सो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग भूलना नहीं जाके देखने हो जाएगी नेक्स्ट टाइम फिर आना तुमको क्या कराना वापस तुम तो 2 महीने वापस वेस्ट इंडीज हो जाओगे हम लोग आ चुके हैं घर पे और मम्मी लोग को बता देते हैं मम्मी मेरे फेस पे कुछ दिख रहा है अच्छा लग रहा है फेस दानिश भी क्या हाँ नहीं सही में बहुत चिकना काला काला हो गया था ना अभी हो गया नहीं हम लोग सुबह 12 बजे से गए एसी वाले ने बजा दिया 5 एसी वाला ने यहाँ पर गए पहले हम लोग अपने हमारे घर पे वहाँ से एसी निकाला एसी लेके फिर हम बारिश हो गई तो वो बोला कि ये इंडोर है ना भीगना नहीं चाहिए खराब हो जाएगा आउटडोर भले भीगे तो चलेगा क्योंकि आउटडोर तो भारी रहता है कौन से मशीन वो बारिश का पानी वायर वायर में चले जाता है ना ये सुखाते भी है ना फिर ड्रायर से ये सूखेगा थोड़ी भीग जाएगा तो बोले भीगना नीचे बारिश रुकने के लिए आधा घंटा लो नीचे खड़े रहिए फिर लेके फटफट भागे फिर वहाँ पर रखे फिर उसने काम चालू किया तो बजा दिया 6 फिर 6 बजे वॉलपेपर वाला आया फिर वॉलपेपर वाला गया 6:30 फिर 6:30 बजे हम निकले फिर रुकसार के जाके वाले चल काला ये बोल बार बार बोल रहा था काली दिख रही एकदम काला हो गया चेहरा के मतलब वो नहीं है क्या बोलते उसमें नहीं वो घर में खान पीटती है ना तो सब देखो ना पहले ही मेरे कितने काले काले हो गए तो बोले करा ले इसके लिए और एक बात बोलना था आज हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं मतलब आज हम लोग पैकिंग कर रहे हैं शिफ्टिंग के लिए हमारा टीवी भी सब निकालेंगे यस कल निकल जाएंगे हम लोग हमारे नवे घर पे तुम लोग को छोड़ के तुम लोग से भी दूर हो गए ना डर घर तो दूर है ना हमारा नहीं वो बोल मतलब जैसा तुम लोग को हुआ था वैसा अभी उधर होगा जैसा तुमको तुम्हारी बेटी विदा की थी वैसा बेटा विदा कर जोर से बोलो तुम लोग क्यों इतना स्लो कभी बोल एक बेटा बोलता है अब्बा तुम तो बर्बाद हो गए थे मैं भी बर्बाद कब रोए मैं तो नहीं देखी कोई बात शादी होती तो रोते कभी रोते के बहू लेके चले जाएगी दुल्हन रोती है अभी के समारे में नहीं रोती है हाँ सही में अभी की दुल्हन नहीं रोती है पुराने लोगों को याद करके रोती है हमारे अब्बा ने भी शादी में हमारे अच्छा वो खुशी के अंदर थोड़ा ऐसा आ जाता है चीज अपने घर है नहीं इसके रोते अपनों की रोते बाबा नहीं थे भाई नहीं थे सही बात है सही बात अरे मतलब बड़े होना कम पर वो भाई एग्जांपल दे रहे हैं
अरे छोड़ो भाई, हमारी शिफ्टिंग है आज, हमारा यहाँ पर जो भी सामान दे दो हम लोग को। सबसे पहला ये पोटला देखे, खराब है अपना, देखे को फेंक रहे। और तुम लोग घर देखोगे तो वाह वाह करोगे यार, क्यों देख चालू गए हो? तुम वापस चालू हो गए? देखे मम्मी नहीं आते ना, तो देखो छोटे बड़े दिन नहीं आने गए, बात खत्म हो गई। जो जैसा फिर बात बुलाओगे ना मेरे को तो मैं भी नहीं आऊंगी। सोच लो तुम्हारा दामाद कैसा है। हाँ सबसे बड़ी चीज, हाँ आइसल कहाँ से आएगी? मैं नहीं आएगी, नहीं अब वो थोड़े टाइम में तुम लोग को भूल जाएगी। फिर तुम लोग अगर नहीं आए तो मेरे पास वो नहीं, सबके पास रहती माशाल्लाह। वो वाले घर पे भी रहेगी तो हम लोगों को कुछ याद नहीं करती है, यहाँ पर भी रहेगी तो कुछ याद नहीं करती है। वो जहाँ पर रहती है ना वहाँ की हो जाती है, वो ऐसा उसका नेचर। नहीं डर गई, दानिश ने जोर से चिल्लाया। अरे वो तो छोड़ो, सुबह 12 बजे ना एसी वाले का कॉल आया। देख हंस रहा है बेशरम। तो सुबह एसी वाले का कॉल आया, बोले भाई एसी वाला हूँ। नहीं पहले से बोला कौन? तो बोला एसी वाला। तो बोले क्या काम है? अब एसी वाला है तो क्या काम है, क्या पूछने की जरूरत है इसको? नींद में बातें कर रहा था ये। मम्मी के अंदर। चलो ठीक है, बारिश स्लो हुए तो घर पे जाके सब चीजें पैकिंग कर रहे हुए यार। हो रही है, देखो ना कैसा आ रही है यार। रुकने का नाम ही नहीं, अपनी शिफ्टिंग के अंदर ही आई इसको। अरे हाँ, जब तक हम लोग रुखसार के बाद तब तक बारिश नहीं हुई। जैसे हम लोग बाहर निकले टिप 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 चालू होने आई। मैं भी कब से जाने का सोच रही थी, बारिश होने जाएगी। अगर जाना नहीं तो ऑटोमेटिक जाओगे। ठीक है गाइस, चलो वाले घर पे जाते, मिलते हैं आप लोग का। हम लोग आ गए हैं ये वाले घर पे और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। यस, हम लोग नहीं है आज, जा रहे हम लोग हमारे घर पे कल। यस कल से भी हम लोग आएंगे ना, मिलने आएंगे, खा लेना। हाँ तभी खा, संडे संडे आ जाना, खा लेना संडे संडे। ठीक है, अपना कुछ भरोसा नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मूड ऑफ मत करो रे पगले, तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है, तुम्हारी शादी है। ऐसा लगता है आज तुम्हारी शादी है, उस दिन नहीं थी तुम्हारी शादी। जुम्मा की करने आयो, कपड़े वपड़े लेके जाओ थोड़े। वही क्या हुआ लाल? अच्छा पिंपल, खाना हो चुका है हमारा। अब बोलते है हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं नवे घर पे, शिफ्ट हो रहे। मतलब आज हम लोग का सब निकल चुका है, टीवी निकल गया है, आंटी ने सब काम करवा दिए। दंडिया क्या क्या निकाल दिया हम लोग के लिए? निकाल दिए, झुम्बा निकाल दिया, झुम्बा लाइट और अपना टीवी बोर्ड वोर्ड भी आंटी ने निकाल दिया। पता है जो अपन चार्जिंग वार्जिंग करते लाइट वाइट के सब, हाँ सब निकल गए। ये ट्यूबलाइट भी निकल गई, एक निकाल दी। हाँ जो उसका कनेक्शन वहाँ था ना, इसके लिए सब निकाल। हाँ ये लोग तो रुक रहे ना, ये महीना है ना, बोल रहा तैसे नहीं थी 20 तारीख को घर मिला, मिलेगा मतलब 20 तारीख को क्यों? ठीक है गाइस, मेरे को अभी मालूम पड़ा ये सब चीज ऐसे नहीं के व्लॉग में दिख जाएगा आप लोग को। मैं हम लोग को तो बता दोगे ना कि हम लोग को ही व्लॉग में देखना पड़ेगा। अच्छा मैं क्या क्या बोल रहे थे, हम लोग का जो भी सामान है। मैं क्या हुआ? तुम बोलो ना, मैंने वहाँ बोली ना, हम लोग बैठ गए ताकि हम लोग डिस्कस करके अभी साथ नहीं है, अभी तो साथ है, आज चुप चार हम दो है। दो हुआ, तुम तीन हो जाएंगे, सब कपल कपल अलग अलग, इसीलिए वहाँ बैठे
तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग इसके लिए ऐसा बैठे हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सके जो जो हमारा सामान है ये घर के अंदर वो हम लोग लेके वाले घर में शिफ्ट हो जाए ताकि ये लोग को भी शिफ्टिंग में आसानी हो दूसरी जगह जब जाएंगे तभी। तो इसके लिए मैं बता हम लोग के बर्तन थे ना वो भी तो मैं अलग ही रखी हूँ ऐसी रखा है तुम लोग का साफ करके रखी फ्रिज साफ भी हो गया इसके लिए गाइस फ्रिज भी बाहर आ गया किचन में तो ये इम्पोर्टेंट है कपड़े लेके जाएंगे और अभी के लिए फिलहाल दो तीन साल जो भी ले लेते हैं लड़का लड़की होगा जैसे बॉडी में फर्क पड़ जाता है और हम लोग तुम दुआ कर तुम हम लोग दुआ कर हम तुम्हारा हम लोग जाना तुम्हारा हम लोग जाने के तुम लोग हमारा ध्यान रखो है ना क्या बोलता है होता है अपने बनाया ना बच्चों को उसकी बच्चे को लाइफ बनाई ना अपने बड़े ने छोड़े तब बच्चे अपने बड़े ने छोड़े तब वो लाइफ बनाए ना है लगता ही है हम मिलने आ जाना तुम लोग आ जाना कभी मिलने का रेखा कहती है संडे संडे हम लोग खाने खाएंगे मम्मा मेरी जान ना हो तू परेशान सबको हमारा देखो ना तुम चौंक जाओगे तुम देखो हमारा नया घर खुशी है अभी यहाँ पर हम लोग बर्तन निकाल रहे थोड़े से इमोशनल हो गए थे हम लोग क्योंकि इतना साल हम लोग 2 साल साथ में रहिए और दानिश तो काफी मतलब जब से दानिश का तो घर ही दानिश का था तो अभी थोड़ा इमोशनल हो गए था इमोशनल उड़ा दिए जा रहे थे। हाँ ये निकालना बाकी रहे मेरा नहीं तो किसका हाँ, और एसी कीड़े क्या सब, सब निकलते बाप रे बिस्तर में भी यार मेरा अंक आ गया था और जाओ टीवी दिखाओ तो जरा लो खराब आओ बोलते हैं तो गाइस हमारा झूमर निकल गया टीवी भी निकल गया उधर हमारा सिल्वर बटन भी निकल गया हमारा झूमर भी निकल गया पीएसपी भी निकल गया अब सब जाएगा कल अभी टेम्पो में ये तो साफ कर गया तो ओके तो ये पेटी पलंग पेटी वगैरह जो सामान नीचे निकाल वो बास्केट निकाल देना ना काम आएंगी सुन क्या है चलो ठीक है गाइस चलो अभी टू बी कंटिन्यू तो गाइस अभी बैठ चुका हूँ मैं यहाँ पर सास बहू और उनकी बेटी सर हिस्सा कर रहे अपना अपना दर्शन बीच में दलाल बन के बैठी है यहाँ कमा वहाँ कमाया कर रही है मतलब एजेंट गाइस एजेंट लोग हिंदी वर्ड अच्छा नहीं लगता इसके लिए नसीन तुमने क्या अलग किया
और प्यारे प्यारे प्याले में क्या पिला होते अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मतलब मम्मी अब्बा को नहीं खिलाओगे, मेरे को खिलाओगे, तुम रहोगे ना साथ में यार। अच्छा ईशा तू तेरी बेटी रहेंगे ना। हाँ सही है। ये पैक कर मेरे। सो गाइस मतलब को इससे नहीं बोले जीते जी सो यार हमारे तो देखो गाइस सही है नहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या करेंगे कितना मस्त है ना। सब सामान निकाल लिए और अलग कर चुके हैं। अभी हम लोग कल सुबह जब सब सामान जाएगा तो उसके साथ हमारा किचन का सामान भी चल जाएगा। तो गाइज ये मिक्सर भी ले लिए, आंटी ने बोला आइजल के लिए लिए थे तो ये भी लेके जाओ, तुम लोग काम आएगा क्योंकि मेरे पास तो बड़ा मिक्सर है ही। तो दाल रे दानिश ये और इसमें से सिर्फ मेरे ये दो ये तीन है, बाकी सब आंटी के निकाल के रख दिए। आंटी ने बोला मेरे भी सब किचन साफ करूँगी फिर उसके बाद अभी से निकाल के रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा सब बर्तन है उसके लिए। इसके अंदर मेरे सब कांच के बर्तन है ये लिए और इसमें सब तपेली बड़े बड़े और छोटे छोटे तपेली और अपन को दो तीन तपेलियाँ लेना पड़ेगा अपने घर के लिए। हाँ, ले लेगा है ना। चलो तुम तो नींद भी मार लिया, हमने सफाई कर रहे थे तब तक। आंखें देखो मुंह खुला था तुम्हारा अब्दुल्ला। चल तो गाइस चलो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।